अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा की सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान सीटिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज जुमा है और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक 16 जुलाई है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक जो खबर अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, वो बता दूं। वो ये है कि जो आईपीपीज़ के साथ, जो 12 आईपीपीज़ के साथ 2002 की पॉलिसी में जो लगे थे, जो गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था, गवर्नमेंट उससे बैकआउट कर रही है। ठीक है, वो कल ये डिसाइड हुआ है। वो असद उमर साहब ने कोई मीटिंग हेड की कि जी ये तो इनके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स थे, पहले इस पे हम जो है वो देखेंगे क्या है, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, और उसको देखते हुए फिर रीनिगोशिएट करेंगे। तो ये एक इस गवर्नमेंट की मसले मसाइल हैं कि भाई आपने पहले भी आपको पता कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, उस वक्त तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, पेमेंट भी नहीं की, अब बैकआउट कर रहे हैं, अब दोबारा रीनिगोशिएशन की बात हो रही है, तो दैट्स नेगेटिव। सो इसमें सारे निशात आईपीपीज़ हैं, निशात पावर, निशात चुनिया पावर, जिसकी वजह से हमने देखा था निशात चुनिया भी बढ़ा था, तो अब ये फिर रीनिगोशिएशन की बात हो रही है। और वो भी इसी हफ्ते खबर भी आई थी जो पॉजिटिव थी कि नैब ने कहा था कि हमने क्लियर कर दिया, आप इनको पेमेंट कर दें। तो अब नैब ने क्लियर कर दिया, अब आप फिर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, फिर आप रीनिगोशिएशन की बातें कर रहे हैं, वेरी नेगेटिव। साथ में एक और नेगेटिव न्यूज इसी हवाले से, पावर का जो सेक्टर है ना, उसमें इतने मसले मसाइल है, तो फिर जाहिर है कि ये चीजें होंगी कि जी इवन चाइनीज इन्वेस्टर्स ने आके जो पावर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको पेमेंट्स नहीं हुई है, तो वो भी जो है नाराज है। प्लस वो जो अभी परसों वाकया हुआ है अनफॉर्चुनेट, इसमें कल फिर एडमिट भी कर लिया गवर्नमेंट ने कि हाँ ये एक सिक्योरिटी फेलियर था और ये टेररिस्ट हमला था, उसमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स बेचारे मारे गए। तो ये भी ऑफ कोर्स एक नेगेटिव है। इससे सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स क्या इस पर असर होगा, सारे चाइनीज गवर्नमेंट का भी बयान आया है कि दे आर वेरी कंसर्न। सो ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। प्लस कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और सिर्फ चंद दिनों में ही 2% तक जो आ गई थी पॉजिटिविटी रेशो, वो 5% में चली गई है जस्ट अबाउट 4-5 डेज। तो अगेन प्लीज बी केयरफुल, मास्क पहने, एसओपीज फॉलो करें, बिना जरूरत नहीं जाएं, लोग घूमने निकल रहे हैं, ट्रैवलिंग, सो इस किस्म का बिहेवियर होगा तो जाहिर है बहुत तेजी से। और ये डेल्टा वेरिएंट इज वेरी डेंजरस, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ज्यादा खबरें यही है कि चाइनीज वैक्सीन फुल प्रोटेक्शन नहीं देती है। ओके, सो ये होस्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज। उसमें एक अच्छी खबर ये है कि ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आ गई हैं। ब्रेंट जो कल 74 पे था वो 73 के करीब आ गया है। यूएस क्रूड भी 71 डॉलर एंड कुछ सेंट्स पे है। तो ऑयल प्राइसेस नीचे गिरी हैं, लेकिन ये अब गिरी हैं, जो पिछले इतनी बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने फाइनली पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी है 5 रुपये 40 पैसे से 5.5 रुपये तकरीबन रुपये से, तो वो एक्सपेक्टेड भी था। अच्छा जी, बाकी अगर देखें तो एज सच कोई और जो चमन बॉर्डर पे मैंने बताया था कल की खबर जो थी, जो क्लोज हुआ है, तो उस पे एक्सपोर्टर्स दे आर फेयरिंग के लॉसेस होंगे, जो उनका माल नहीं जा सकेगा उस बॉर्डर से। एंड कोयले की कीमत फिर $120 पर टन क्रॉस कर गई है। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी बीइंग द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, और फिर अगले हफ्ते सिर्फ एक दिन, फिर 3 दिन छुट्टी, एक्सक्यूज मी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग पे ही आई थिंक फोकस करें और फिर डिप्स का वेट करें। सो दैट शुड बी द आइडियल आई थिंक अपॉर्चुनिटी, आइडियल स्ट्रैटेजी। और लेवल्स वही हैं जो मैंने बताया, जो रेजिस्टेंस के हैं 47,700, 47,800, सपोर्ट इज 47,500, 47,350, फिर तकरीबन 150-200 पॉइंट नीचे। सो लेट्स सी आज मार्केट कैसे बिहेव करती है। जुम्मा है, 12 बजे पहला सेशन खत्म होगा, फिर नमाज का लंच का ब्रेक होगा, 2:30 बजे से 4:30 तक मार्केट होगी। सो लेट्स सी, और कोई खबर आएगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।